आफ्टर हस्बैंड की डेथ के बाद थोड़ा सा मेकअप करती है, कहीं आती जाती है, तो ये तो मस्त रहती है, ये तो खुश रहती है। पति के जाने के बाद पर पुरुष के संपर्क में आ जाए, पर पुरुष से राधे राधे महाराज के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में एक महिला ने बोली ऐसी बात जिसे सुनकर महाराज जी हो गए हैरान। जी हाँ दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी में एक महिला पहले अपने पति की याद में रो रो कर भजन गाई, जिसे सुनकर महाराज जी भावुक हो गए। फिर कुछ ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर महाराज जी जो बोले उसे सुन पंडाल में उपस्थित सारे भक्तों की आंखें खुल गई। तो चलिए देखते हैं कि महिला की बातें सुनकर महाराज जी क्या बोले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो, आज आपने भजन गाया ना, क्या नाम ये, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। गुरु जी, जब ये भजन कोई भी मतलब किसी मंदिर में भी जाओ, हमारे जहाँ शांति पाठ जब भी कहीं होता तो भजन ये सुनाया जाता है। तो उस टाइम जैसे मेरे हस्बैंड को गए, बहुत साल हो गए गुरु जी, फिर उस टाइम ये मन मतलब उतावला हो जाता है कि क्या है ये, कैसे वाकई मुझे ऐसा लगता है हो जाता कि उन्होंने आवाज दी होगी, मैंने सुनी ना, ना होगी। ऐसा नहीं है, ये भजन ठीक है, ये सही है, ये भावनाओं को तो प्रभावित करते ही है, पर आप भगवान में मन लगाओ, मन को बिल्कुल यहाँ वहाँ ना हिलाओ। अच्छा, एक स्थिर करो। अच्छा एक गुरु जी, मतलब लेडीज को हमेशा विधवा क्यों कहा जाता, मुझे वो भी बहुत पिंच करता, जेंट्स को कोई कुछ नहीं कहता। लेडीज आफ्टर हस्बैंड की डेथ के बाद थोड़ा सा मेकअप करती है, कहीं आती जाती है, तो ये तो मस्त रहती है, ये तो खुश रहती है। खुश रहना चाहिए, विधवा किसे कहते हैं वो समझने की जरूरत है। जिस स्त्री ने अपने पति के बाद, पति के जाने के बाद जिसने परमेश्वर से नाता जोड़ लिया हो, वो विधवा नहीं, वो सधवा है। वो विधवा नहीं है, विधवा वो है जो अपने पति के जाने के बाद पर पुरुष के संपर्क में आ जाए, पर पुरुष से संबंध बनाए, वो विधवा है। और जो पति के जाने के बाद परमेश्वर में समर्पण कर दे, वो भक्त है, वो मीरा है। ऐसे आज की दृष्टि से तो फिर मीरा को भी लोग विधवा कहेंगे, क्योंकि पति तो उनके भी मर गए। तो मीरा ने पति माना ही भगवान को था, इसलिए आप भी परमेश्वर को पति मानिए, क्योंकि परमेश्वर सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सामान्य देखो लोगों का मुंह है, लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको कोई कहे, इसलिए हमें उन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सिंपल, अपने को ठीक करना है, जमाने को नहीं। पर आफ्टर हस्बैंड के बाद गुरु जी सुनने को बहुत कुछ मिलता, लेडीज बख्शती तो नहीं। कोई बात नहीं, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, खुश। दोस्तों, अगर आप महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से प्रेरित होते हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।